हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, हमारे 4 लेक्चर हो चुके प्रॉफिट एंड लॉस के, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना 4 वीडियो। ये हमारा 5वां लेक्चर रहेगा आज का, और मैंने उन वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो कि आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप स्टार्टिंग से देखना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में टोटल 2 क्वेश्चन किए थे लास्ट के, उसमें आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया था। वहाँ पे आपको क्या कहा गया था, वहाँ पे आपका यहाँ पे जो क्रय मूल्य दिया हुआ है उसके जगह बस विक्रय मूल्य था आपका, और लाभ और हानि आपसे पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्रय मूल्य दे दिया इस क्वेश्चन में। तो आपके टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं, 2 मैंने पिछले वीडियो में करा दिया, आपको विक्रय मूल्य लिखा हुआ है यहाँ पे, और इन 2 क्वेश्चन में यहाँ पे आपका क्रय मूल्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस इतना सा अंतर है, इसकी वजह से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये करते इस क्वेश्चन को भी हल। हम आपको बोला गया कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पिछले वाले वीडियो में क्या कहा गया था, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक, तो हमने क्या माना था कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य हमने 1 माना था, पर यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है आपको, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य है उसको मानेंगे कि 1 रुपया है। ठीक है, 1 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य है उसको 1 रुपया मान लिया। उसने टोटल कितना कपड़ा बेचा, टोटल 33 मीटर कपड़ा बेचा है। ठीक है, टोटल 33 मीटर कपड़ा बेचा है, तो खरीदा भी कितना होगा, खरीदा भी 33 मीटर ही होगा। तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा है उसने, तो 33 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, 33 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 × 33, क्योंकि 1 रुपये प्रति मीटर माना है हमने, तो 33 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 33 × 1 यानी कि 33 रुपये हो जाएगा। तो उसका जो क्रय मूल्य हो 33 रुपये आ जाएगा। इस पर आपको बोला गया है कि जो 33 मीटर कपड़ा बेचा है दुकानदार ने, उस पर उसे 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो लाभ हुआ है उसे 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य हमने माना है 1, और 11 मीटर कपड़ा आपको दिया हुआ, तो 11 × 1 हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य हमने 1 माना है 1 मीटर कपड़े का, तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 × 1 यानी कि 11 रुपये। तो इसका लाभ 11 रुपये है, आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई 33 रुपये, तो इसका जो विक्रय मूल्य निकलेगा यानी कि जो सेलिंग प्राइस निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, 33 + 11 यानी कि 44 हो जाएगी इसकी। ठीक है, 44 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस 33 रुपये मिल चुकी है, क्योंकि 33 मीटर कपड़ा आपने खरीदा था, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य मैंने मान था 1 रुपये, तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य आपका 33 रुपये आ जाएगा। लाभ आपको दिया हुआ था कि क्रय मूल्य 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है आपका, 11 रुपये, 1 रुपये 1 मीटर प्रति कपड़े का क्रय मूल्य हमने 1 रुपये माना है, तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 × 1 यानी कि 11 रुपये हो जाएगा। तो लाभ आपका 11 रुपये आ गया है, क्रय मूल्य आपका 33 रुपये आ गया है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ को मिलाकर ही सेलिंग प्राइस बनता है आपका। ठीक है, तो 44 इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि लाभ का प्रतिशत बताना है आपको, तो लाभ का प्रतिशत बताना है आपको। वैसे ये चीज़ निकालने की जरूरत नहीं थी आपको, यहाँ पे आपको लाभ मिल चुका है, क्रय मूल्य निकल मिल चुका है, तो बस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। लाभ दिया हुआ आपको 11 रुपये, क्रय मूल्य दिया हुआ 33 रुपये, इंटू 100 यानी कि 1/3 इंटू 100 हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा आपको 33 सही, 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। आपको दिया गया था 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ का प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन जो दे आपके 2 क्वेश्चन, उसमें आपको यहाँ क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य दिया हुआ था, तो हमने क्या माना था, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य माना था, पर आपको यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ, तो हमने क्या माना, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य मान लिया जो कि 1 रुपये है। ठीक, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपये मान लिया, तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 33 × 1 = 33 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लाभ दिया हुआ है कि लाभ जो है वो 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ कितना कमा रहा है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 1, तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 रुपये। तो ये सेकंड स्टेप आपकी आ गई है, आपको यहाँ पे क्रय मूल्य पता चल गया है, लाभ पता चल गया है, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे हम, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ दिया आपको 11, क्रय मूल्य दिया हुआ 33 × 100।
11 से कट हो जाएगा तीन बार में, तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 इंटू 100 के 33 से ही 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। 33 से ही 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो हानि का परसेंटेज बताना है आपको। पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लाभ दिया हुआ था और अब हानि दे दी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्रय मूल्य, तो यहाँ भी हम क्या मानेंगे कि एक मीटर कपड़े का क्रय मूल्य आपका मान लेंगे हम, एक मीटर कपड़े का जो CP होगा वो मान लेते हैं हम 1 रुपये, ठीक। एक मीटर कपड़े का मूल्य, क्रय मूल्य जो है आपका वो 1 रुपये है। तो 33 मीटर कपड़ा आपने खरीदा और 33 मीटर कपड़ा ही आपने बेचा। बेचने से पहले खरीदोगे आप, क्योंकि 33 मीटर कपड़ा आपने पहले खरीदा होगा, तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य भी हम निकालने कितना आएगा, 1 × 33 यानी कि 33 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 33 मीटर कपड़े का, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि जो हानि हुई है उससे कितने की हानि हुई है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो जब हानि निकालेंगे तो हानि क्या हुई, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य हमने एक माना, तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 × 1 = 11 रुपये। तो उसको हानि कितनी हुई है, हानि हुई है 11 रुपये की, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 33 रुपये, ठीक। अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा आपका 33 - 11। क्रय मूल्य दिया हुआ है 33, हानि दी हुई है 11, तो उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 22 रुपये हो जाएगा, यानी कि 22 रुपये में बेचेगा 33 रुपये की चीज़ को, अगर 22 रुपये में बेचेगा तो उसको 11 रुपये की हानि होगी, तभी आपका इस तरह से इस फॉर्मेट में बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हानि पता चल गई है, क्रय मूल्य पता चल गया है, तो आपका हानि परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हानि दी हुई है आपको 11, क्रय मूल्य दिया हुआ है 33 × 100, यानी कि 1/3 × 100 हो जाएगा। इसका भी आंसर आपका 33 सही 1/3% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, एक बार फिर से समझ लो। आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हमने क्या किया, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य मान लिया 1 रुपये। तो वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो 33 मीटर कपड़ा उसने बेचा है, तो इसके पहले उसने खरीदा भी होगा कपड़ा 33 मीटर को, तो 33 मीटर कपड़ा खरीदा है, तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे पहले, ठीक। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य हमने 1 रुपये माना है, तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना जाएगा, 33 × 1, ठीक है। तो 33 रुपये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। उसके बाद आपको बोला गया है कि इसकी जो हानि हुई है वो 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो हमने माना था कि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपये, तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 × 1 यानी कि 11 रुपये। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता चल गया 33 रुपये और हानि पता चल गया 11 रुपये। तो आपको हानि परसेंट का फॉर्मूला लगाना है, हानि परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपका हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो हानि आपको दी हुई है 11 रुपये, कॉस्ट प्राइस दी हुई 33 रुपये, इंटू 100 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी दिया हुआ है वो स्टेप हम जमा लेंगे। यहाँ आपको दिया हुआ है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 वस्तुओं का CP ये बराबर आपका 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि SP के, इस तरह से आपका रहेगा। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे 15 × CP बराबर 10 × SP, ठीक है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है, हर बार जितनी बार क्वेश्चन आएगा आपका उसी तरह से इसको जमाना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, CP और SP यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आपको पता करना है। तो क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हम इधर लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, यानी कि CP/SP आ जाएगा आपका, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर में आपका 10 दिया हुआ है, अपॉन में आपका 15 इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक। 5 से कट करेंगे 2 बार में, 5 से कट करेंगे 3 बार में, यानी कि आपका CP और SP का जो रेशियो आया है वो 2/3 आ जाएगा, ठीक। CP आपको 2 दिया हुआ है और SP आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये रेशियो के हिसाब से है। अब आप बताओ कि आपका क्रय मूल्य 2 रुपये है और विक्रय मूल्य 3 रुपये, तो आपको लाभ हुआ या हानि, आप बोलोगे लाभ हुआ। लाभ हुआ तो आप लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ परसेंट कितना होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक। लाभ आपको दिया हुआ है 1 रुपये, क्योंकि 2 रुपये की चीज़ थी, 3 रुपये में बेची आपने, तो 1 रुपये का लाभ होगा, और 2 रुपये की चीज़ खरीदी 2 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा इंटू 100, तो 100/2 यानी कि 50% इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको दिया गया था 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने कुछ नहीं किया, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर रख दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको जमा दिया। आपका सी पी बटे एस पी का रेशियो निकाल लिया, 2:3 निकला आपका, यानी कि सी पी 2 है, एस पी 3 है। 2 रुपये में आपने चीज़ खरीदी थी, 3 रुपये आपने बेच दी, तो आपको कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ? 2 पे हुआ, इंटू 100। इस तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचेगा उसे 20% का लाभ हो, ये आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि इस वस्तु पर 10% की हानि हो रही है। मान लेते हैं कि वस्तु की जो प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये वस्तु की प्राइस है, इस पर आपकी कितनी हानि हो रही है? 10% की हानि हो रही है। ठीक है, 10% की आपकी हानि हो रही है इस वस्तु पे, तो 100 का 10% हम निकालेंगे पहले। 100 का 10% कितना आएगा? 10 रुपये आएगा। ठीक, 100 का 10% आपका 10 रुपये आया है, तो 100 रुपये में से 10 रुपये आप माइनस कर दोगे, क्योंकि उसको हानि हुई है, इसलिए 100 रुपये में से 10 रुपये आपका माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 90 रुपये। ठीक, और ये 90 रुपये की जो प्राइस है, यही आपकी क्वेश्चन में दी हुई 240 रुपये, यानी कि 90 की चीज़ आपकी 240 के बराबर है। तो आपको क्या पूछा गया आगे कि उस वस्तु पर 20% का लाभ आपको प्राप्त करना है। ठीक, अब यही 100 रुपये की वस्तु थी, इस पर आपको 20% का लाभ प्राप्त करना है। पहले हम 90 की वैल्यू 240 रुपये दी हुई है आपको, तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 240/90, 10 से 10 कैंसिल, 3 से कट करेंगे 3 8 24, 3 से कट करेंगे 3 3 9, यानी कि 1 रुपये की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 8/3 आ गई है। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 8/3 आ गई है। अब आपको बोला गया कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगी उसको 20% का लाभ हो। ठीक, तो वस्तु आपकी 100 रुपये की थी, इस पर आपको 20% का लाभ चाहिए। ठीक, तो 100 रुपये का 20% निकालेंगे, जो कि आपका आएगा 20 रुपये, तो 100 में 20 रुपये को जोड़ देंगे, यानी कि वस्तु जो बेचेंगे हम 120 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, आपकी 1 यूनिट की वैल्यू 8/3 दी हुई है, और तो 120 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है। 100 की वस्तु थी, इस पर 20% का लाभ चाहिए, तो 100 का 20% निकालेंगे, 20 रुपये आएंगे। ये जो 20 रुपये आए हैं आपके 100 रुपये में जुड़ जाएंगे, तो आपका 120 रुपये में आ जाएगा, यानी कि जो वस्तु है वो अब 120 रुपये में जाएगी आपकी, 120 यूनिट में जाएगी, यूनिट दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये रुपये नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये 120 यूनिट है आपकी। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू 8/3 दी हुई, तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 × 8/3, इस तरह से आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब 3 से कट करेंगे, तो 3 से 40 बार में चला जाएगा, 40 × 8 में होगा आपको, तो 120 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 320। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक मेथड तो आपकी ये हो गई, इसके अलावा एक और शॉर्ट मेथड है, उसके पहले इस मेथड को एक बार फिर समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ था कि 10% की हानि हो रही है, तो वस्तु की प्राइस मान ली 100 रुपये, 100 रुपये पर 10% की हानि, यानी कि 10 रुपये कम हो जाएंगे, 90 रुपये इसकी वस्तु की कीमत आ जाएगी। 90 रुपये वस्तु की कीमत है आपकी, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी? 240, तो 90 और 240 दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आएगी 8/3। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि उस वस्तु को 20% के लाभ पर आपको बेचना है, तो वस्तु कितने रुपये के माना था हमने? 100 रुपये के माना था। इस पर आपको 20% लाभ चाहिए, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20 रुपये। तो 20 रुपये 100 में आपके ऐड हो जाएंगे, यानी कि 100 + 20 120 हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु आपकी 100 रुपये की थी, 20% का लाभ आपको प्राप्त करना है, तो उस वस्तु को अब आपको 120 रुपये में, 120 यूनिट में बेचना पड़ेगा। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 8/3 दी हुई है, तो 120 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 120 × 8/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 320 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप एक और मेथड यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसे 10% की हानि हो रही है, तो हम मैंने बताया था आपको परसेंटेज वाले वीडियो में बताया था मैंने आपको 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10। ठीक है, और हमने कहा था कि 10 जो होता है ये हमेशा एक्चुअल वैल्यू होती है, यानी कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वस्तु की वो 10 रुपये है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हानि दी हुई है, तो जो एक है ये आपकी हानि होगी, यानी कि 10 रुपये की आपकी क्रय मूल्य है, उस पर आपको 1 रुपये की हानि हो रही है। सी पी आपको दिया हुआ है 10 रुपये, लॉस दिया हुआ है आपको 1 रुपये का, तो आपका जो एस पी है, जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ जाएगी? आपको कॉस्ट प्राइस 10 दिया हुआ है, आपको लॉस दिया हुआ है 1 रुपये, तो उसकी जो कीमत हो जाएगी वो 9 रुपये हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में ये जो लॉस दिया हुआ है, जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दी हुई है, आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है 240 के बराबर,
दिया हुआ है, ठीक है। 9 की वैल्यू 227 के बराबर दी हुई, तो आपको क्या निकालना है, वस्तु पे 20% का लाभ निकालना है, यानी कि पहले हम वस्तु की कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ठीक। तो 9 की वैल्यू 240 दी हुई है, तो आप पहले 10 की वैल्यू फाइंड कर लोगे उसके बाद, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली इसे, जैसे कि आपको यहाँ पे 20% भी दिया हुआ है लाभ, तो 20% होता है आपका 1/5, इसको हम 10 की फॉर्म में लिखेंगे। आपका क्रय मूल्य हमेशा 10 लाना है हमें, क्योंकि यहाँ पे 10 दिया हुआ था आपका क्रय मूल्य, तो हम यहाँ पे 10 का लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका 2/2 से इंटू कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 2/10, ठीक। ये इस तरह से आपका 20% का आ जाएगा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20% को 2/10, ठीक है। तो 10 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, 2 रुपये आपका लाभ हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये की वस्तु थी, इस पर 2 का लाभ हो रहा है, तो 10 रुपये आपका सीपी है, एसपी जो बन जाएगा वो 10+2 यानी कि 12 बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको 10 रुपये एसपी दिया हुआ, सीपी दिया हुआ है, और एसपी आपका 12 हो गया, नया वाला एसपी। पहला वाला एसपी 9 था, जिसकी वैल्यू आपको 240 दी हुई थी क्वेश्चन में, और बाद वाला एसपी 12 हो गया है। तो आप क्या करोगे, 9 की वैल्यू आपको 240 दी हुई है, तो आप डायरेक्टली 10 की वैल्यू ना निकालते हुए डायरेक्टली 12 की वैल्यू निकाल दोगे, तो आपका डायरेक्टली आंसर यहाँ से आ जाएगा। 9 की वैल्यू 240 है, तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240/9, और 12 की निकालें तो 12 का इंटू हो जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 3 9, 3 4 12, 3 से इसको फिर कट करेंगे तो 3 8 24, यानी कि 80 × 4 आपका आ जाएगा 320, इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से भी आप कर सकते हो। एक बार फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे आपको 10% की हानि दी हुई है, 10% आपका फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/10, 10 को हम हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हमेशा एक्चुअल वैल्यू मानते हैं, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10 रुपये, ठीक। ऊपर आपको हानि दी हुई है 1 रुपये की, तो 10 रुपये की चीज़ थी, आपका लॉस आपका 1 रुपये, यानी कि हानि 1 रुपये, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है कितने की हो जाएगी, 10 - 1 हो जाएगा, यानी कि 9 रुपये की हो जाएगी, और 9 रुपये की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई 240 रुपये, ठीक। तो 9 की वैल्यू 240 रुपये आपको दी हुई है, और इसके अलावा आपको दिया हुआ है कि वह उस वस्तु को कितने में बेचेगा, उसको 20% का लाभ हो, तो 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/5, पर यहाँ पे आपकी कॉस्ट प्राइस थी 10% वाली में, आपकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपये आ रही है, ठीक है। तो इसको भी हम 10 बनाएंगे, नीचे वाली वैल्यू को 10 बनाने के लिए हम 2 का इंटू करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2/10, ठीक। तो ये 10 आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और जो 2 रुपये है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका लाभ दिया हुआ है, तो ये आपका लाभ हो जाएगा, 10 रुपये की कॉस्ट प्राइस है, 2 रुपये का लाभ है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 10+2 यानी कि 12 हो जाएगी। अब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है पहले वाली वो 9 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 240 रुपये दी हुई है आपको, यानी कि यो 9 यूनिट की वैल्यू 240 रुपये हो जाएगी, और आपको 20% का लाभ चाहिए, तो इसकी जो नई सेलिंग प्राइस है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 12 रुपये हो जाएगी, ठीक। तो हम इसका 10% ना निकालते हुए, यानी कि कॉस्ट प्राइस ना निकालते हुए डायरेक्टली नई सेलिंग प्राइस निकाल देंगे इसकी, यानी कि 12 की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। 9 की वैल्यू आपको दी हुई 240 रुपये, तो आपको 12 की वैल्यू निकालना है, डायरेक्टली आपका आंसर 320 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी नई कॉस्ट वैल्यू, नई सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी। अगर आपको क्रय मूल्य पूछे क्वेश्चन में, तो आप पहले 10 की वैल्यू निकालना, ठीक, यानी कि पहले 10 की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, यहीं से आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य के पूछे तो हम इस तरह से निकालेंगे, आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा हुआ था, तो विक्रय मूल्य की हमने इस तरह से निकाली आपकी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, घोड़े को 570 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है, 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा, ठीक। ये भी पिछला क्वेश्चन तरह की तरह ही है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5% की हानि, 5% कितना होता है आपका, 5% होता है आपका 1/20, ठीक। 5% की वैल्यू होती है आपकी 1/20, यानी कि 20 रुपये का आपका सीपी है, 1 रुपये जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका हानि हो जाएगा, यानी कि 20 रुपये की आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपको लॉस दिया हुआ है 1 का, तो आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 19 रुपये हो जाएगा, ठीक। यानी कि 1 रुपये की हानि, तो 20 - 1 यानी कि 19 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और 19 की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 570 रुपये। अब आगे आपको बोला है कि 5% का उसे लाभ कमाना है, ठीक। तो 5% आपका 1/20 ही होता है, इसमें 20 आपका क्रय मूल्य रहेगा, और 1 आपका क्या रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लाभ दिया हुआ है, तो ये आपका लाभ हो जाएगा, यानी कि अब आपका सीपी 20 ही रहेगा, यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस की जगह 1 आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 20+1 यानी कि 21 बन जाएगा। आपको 19 की वैल्यू दी हुई है 570 रुपये, तो आपको 21 की वैल्यू निकालना है डायरेक्टली, ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 570/19 आ जाएगी, तो 21 यूनिट की वैल्यू आपकी 21 का इंटू हो जाएगा, 19 से कट करेंगे तो 19 * 57 यानी कि 30 हो जाएंगे, 3 का इंटू आपका हो जाएगा तो 63 यानी कि 630 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका
सोल्व होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5% की हानि, तो 1/20 हो जाएगा, यानी कि 20 रुपये सीपी, 1 रुपये की हानि। 20 की वस्तु आपकी 19 रुपये में बिक गई, 19 की वैल्यू आपको दी हुई क्वेश्चन में 570 रुपये, तो 19 की वैल्यू 570 के बराबर हो जाएगी। आपको आगे बोला गया कि 5% का इसको लाभ कमाना है इस घोड़े पे, तो वापस से 5% की वैल्यू आपकी 1/20 होती है, यानी कि 20 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, 1 रुपये का आपका लाभ हो जाएगा। तो 20 की वैल्यू आपकी कितने में जाएगी, 21 रुपये में। आपको दी हुई 19 की वैल्यू 570 रुपये, तो आपको 21 की वैल्यू फाइंड करना है। 19 की वैल्यू 570 दी हो तो 21 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 630 रुपये। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1,00,000 रुपये में बेचा गया, मकान पर 20% की हानि था, दुकान पर 20% का लाभ रहा, तो कुल सौदे का परिणाम क्या रहा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपको यहाँ पे सभी जो आंसर दिए हुए रुपयों में दिए हुए, यानी कि आपको परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे नहीं पूछा गया, आपको वैल्यू के फॉर्म में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 20% की हानि, 20% कितना होता है आपका फ्रैक्शन फॉर्म में, 20% होता है आपका 1/5, यानी कि 5 आपका CP है, इस पर आपको 1 रुपये की हानि हो रही है। तो CP और SP कितना हो जाएगा, CP आपका 5 है, 5 पे 1 रुपये की हानि की, जो SP हो जाएगा वो 4 रुपये हो जाएगा। ठीक है, CP आपका 5 है, इस पर 1 रुपये की हानि, यानी कि जो SP बनेगा आपका वो विक्रय मूल्य रहेगा 4। इसी तरह से आपको आगे दिया हुआ 20% का लाभ, तो 20% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है आपकी 1/5 होती है, 5 आपका CP है, 1 आपका लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो CP रहेगा, CP 5 ही रहेगा, पर जो SP रहेगा वो CP प्लस लाभ, यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ आपका विक्रय मूल्य होता है, तो इस पर 1 रुपये जुड़ जाएगा, यानी कि 5 से 6 हो जाएगा। ठीक, लाभ हुआ है तो 5 से 6, हानि हुई तो 5 से 4 हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका CP और SP का रेशियो आ जाएगा। ये आपका किस पे आया, ये आपका मकान पे आया है, और ये आपका दुकान पे आया। मकान पे उसको 5 रुपये का मकान था, उसको 4 रुपये में बेच दिया, यानी कि हानि हुई है उसे, और दुकान आपकी 5 रुपये की, तो उसे 6 रुपये में बेचा, तो उसको लाभ हुआ है। ठीक है, पर आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन फिर से पढ़ते हैं। एक मकान और एक दुकान में से प्रत्येक को 1,00,000 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, प्रत्येक को 1,00,000 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इन दोनों का जो विक्रय मूल्य है, जो बेचने की सेलिंग प्राइस है आपकी, जो विक्रय मूल्य है दोनों का, वो सेम है। पर यहाँ पे आपका जो SP दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, दोनों की अलग अलग है, तो इन दोनों को पहले हम सेम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम 6 का इंटू कर देंगे, यहाँ 4 का इंटू करेंगे, तो आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस आपकी बराबर हो जाएगी। 6 का इंटू आपने यहाँ किया तो यहाँ भी होगा आपका, 6 का इंटू 5 में करेंगे तो 30 आ जाएगा, 6 का इंटू 4 में होगा तो 24 आ जाएगा। इसी तरह से 4 का इंटू यहाँ किया तो 4 का इंटू यहाँ भी होगा आपका, तो 4 का इंटू 5 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, 4 का इंटू 6 में करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। ठीक, ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई दोनों, मकान और दुकान की, और सेलिंग प्राइस आपकी दुकान और मकान की बराबर आ गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को टोटल कर देंगे। आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 50 और सेलिंग प्राइस हो जाएगी फिर 48। ये आपका टोटल सौदे में जो जो भी हुआ है कुल सौदा, उसका परिणाम है ये। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 50 रुपये थी दोनों की मिला के, और दोनों की सेलिंग प्राइस आपकी 48 थी, तो उसे क्या हुआ, उसे हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, 2 की हानि हुई है, 2 यूनिट की हानि हुई है। कितने पे हुई है, 50 पे हुई है, इंटू 100। इस तरह से तो आपका परसेंटेज निकलेगा, यानी कि 4% आपका आ जाएगा, अगर परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया होता तो। परसेंटेज के फॉर्म में तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, आपका 20 वाला जो मिक्स परसेंटेज वाला फॉर्मूला होता है उसको लगा देते तो आपका 4% डायरेक्टली आ जाता था। पर यहाँ पर आपको पैसे के फॉर्म में पूछा गया है, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 रुपये 50 यूनिट है, और जो सेलिंग प्राइस है वो 48 यूनिट है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक को 1,00,000 रुपये में बेचा गया, यानी कि 1,00,000 रुपये का ही आपका मकान है, और 1,00,000 रुपये की ही आपकी दुकान है, यानी कि टोटल जो विक्रय मूल्य हो रहा है आपका वो 2,00,000 रुपये हो रहा है। टोटल सेलिंग प्राइस आपकी 2,00,000 रुपये हो रही है, पर हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस 48 रुपये। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 2,00,000 रुपये दी हुई है। ठीक, यानी कि 48 यूनिट की वैल्यू आपकी 2,00,000 रुपये है। तो आपको क्या निकालना है, आपको कुल सौदे का परिणाम निकालना है। तो कुल सौदे में क्या परिणाम रहा, आपको 2 यूनिट की हानि हुई है यहाँ पे। ठीक है, 50 की चीज़ आपकी 48 में बिकी है, तो आपको 2 यूनिट की यहाँ पे हानि हुई है, यानी कि हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ठीक है, 48 यूनिट की वैल्यू आपको 2,00,000 रुपये दी हुई है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले आप, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 48 को 2,00,000 के नीचे भेज देंगे,
2 लाख के अकाउंट में आपका 48 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 2 का इंटू दोनों जगह हो जाएगा, 2 इंटू 2 लाख बटे 48, 2 दूने 4 से कटेगा है, 4 से आपका 12 बार कट जाएगा, यानी कि 2 यूनिट की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 1 बटे 12 लाख आ जाएगी। ठीक, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 1 बटे 12 लाख रुपए की हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, 1 बटे 12 लाख रुपए की हानि होगी इस क्वेश्चन में, यही इसका टोटल परिणाम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार फिर से समझ लो, आपको यहाँ पे दिया हुआ था कि प्रत्येक एक दुकान और एक मकान आपको दी हुई है, प्रत्येक को 1-1 लाख रुपये में बेचा गया है, मकान पर 20% की हानि हुई है, दुकान पर 20% का लाभ हुआ है, तो आपको बोला गया था कि कुल सौदे का परिणाम आपका क्या रहा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपका जो 20% की हानि हुई है इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे, आपको 20% होता है आपका 1 बटे 5, इस पे हानि हुई है आपकी तो 5 आपका सीपी हो जाएगा, जो 1 दिया हुआ है ऊपर वो आपकी हानि हो जाएगी, यानी कि 5 की वस्तु आपकी 4 में जाएगी। ठीक है, मकान आपका 5 यूनिट का था, वो 4 यूनिट में बिका। ठीक, इसी तरह से आप दुकान का निकालोगे, दुकान को 20% का लाभ दिया हुआ है दुकान पे, तो 20% की वैल्यू आपकी 1 बटे 5 होती है, 5 आपका सीपी हो जाएगा और लाभ आपका 1 रुपये हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट की, 5 की वैल्यू आपकी, 5 यूनिट आपकी दुकान आपकी 5 यूनिट की थी, वो 6 यूनिट में आपकी बिकी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों की जो कॉस्ट, जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है दोनों का, मकान और दुकान का, वो सेम है, दोनों का 1-1 लाख रुपए इसका प्राइस दिया हुआ है, यानी कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो 1-1 लाख रुपए है, पर यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है मकान का और दुकान का 6 दिया हुआ है, तो दोनों को भी हम सेम कर लेंगे, यहाँ पे आप ऊपर 6 का इंटू कर देंगे, नीचे 4 का इंटू कर देंगे, 6 का इंटू हमने सेलिंग प्राइस में किया तो कॉस्ट प्राइस में भी हो जाएगा आपका, यानी कि 6 का इंटू 5 में भी होगा, 6 का इंटू 4 में भी होगा, तो आपका 30 और 24 हो जाएगा, इसी तरह से 4 का इंटू सेलिंग प्राइस में भी होगा, 4 का इंटू कॉस्ट प्राइस में भी होगा, तो 4×5=20, 4×6=24, यानी कि 20 और 24 आपका दुकान का आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों कॉस्ट प्राइस को हम ऐड कर देंगे, यानी कि मिक्स कॉस्ट प्राइस आपकी आ जाएगी, 20 और 30 50 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस है, और दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे, 24+24 यानी कि 48 रुपये आ जाएगी, 48 यूनिट, यानी कि 50 यूनिट आपका कॉस्ट प्राइस है, 48 यूनिट आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें तो आपको 50 रुपये का क्रय मूल्य दिया हुआ है और 48 यूनिट का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो उस पर कितने की हानि हुई है, 2 यूनिट की आपकी हानि हुई है। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2 लाख रुपये, प्रत्येक को 1-1 लाख रुपये बेचा गया, यानी कि 1 लाख रुपये का ही आपका मकान है और 1 लाख रुपये की आपकी दुकान है, दोनों को मिला के 2 लाख रुपये हो रहा है, यानी कि 2 लाख रुपये आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 48 यूनिट, तो 48 यूनिट की वैल्यू आपकी 2 लाख रुपये के बराबर हो जाएगी, यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 2 लाख बटे 48, और आपको निकालना क्या है, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम क्या रहा, -2 यूनिट की, मतलब 2 यूनिट की आपकी हानि हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू 2/48 है, 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 2 लाख बटे 48 हो जाएगी, 2×2=4, 4 से कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 1/12 लाख रुपए की उसको हानि हुई है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्टली बता देता हूँ आपको वो मेथड भी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 20% की हानि दी हुई है और 20% का लाभ दिया हुआ, तो इसका जो मिक्स परसेंटेज निकालेंगे वो 20% का लाभ ±20% की हानि +20% इंटू में आपका माइनस का 20% / 100, वो फॉर्मूला लग जाएगा आपका a+b + ab/100 वाला। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस का 4% आ जाएगा, यानी कि 4% की इसकी हानि आ जाएगी टोटल क्वेश्चन की, ये तो आपकी परसेंटेज में आई है, पर 4% की जो फ्रैक्शन फॉर्म होती है वो क्या होती है, 1/25, यानी कि 25 आपका कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये की आपकी हानि है, क्योंकि यहाँ आपका माइनस दिखा रहा है वो आपको हानि को प्रदर्शित करता है, तो 4% की उसे हानि हुई है, तो 1/25 हो जाएगा 4% की वैल्यू, 25 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 1 रुपये की हानि, यानी कि 25 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस आपका कितनी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 24 रुपये हो जाएगा, तो 1 यूनिट की आपको हानि हो जाएगी। ठीक है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 रुपये की वैल्यू दी हुई आपको 2 लाख रुपये, तो आपको क्या निकालना है, कुल सौदे का परिणाम, तो कुल सौदे का परिणाम क्या रहा, -1 यूनिट की आपकी हानि हुई है, तो आपको 24 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 2 लाख रुपये, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 2 लाख/24 आ जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 1 यूनिट का वो आएगा 1/12 लाख रुपये की आपकी हानि। इस तरह से क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल मेथड है, वो बड़ी मेथड पड़ जाएगी आपकी, ये छोट मेथड है, तो इस मेथड से आप करना इस क्वेश्चन को सिंपल सा पड़ जाएगा, बिल्कुल
तो यहाँ से भी आपका आंसर सी आ जाएगा, 1/11 लाख रुपए की आपकी हानि हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, आपसे पूछा गया है। ठीक है, यानी कि 178 रुपये आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है और इस पर आपको 11% की हानि हो रही है। ठीक है, तो 11% की हानि हो रही है, मान लो वस्तु की प्राइस 100 रुपये है, इस पर 11% की हानि हो रही है आपकी, तो 11% की हानि होने की 11 रुपये कम हो जाएंगे इसमें, तो आपकी जो प्राइस आएगी वो 89 रुपये आएगी, और 89 यूनिट के लिए आपको दी हुई है 178, तो यहाँ पे आप कितने का इंटू करोगे कि 178 आ जाए आपका, आप 2 का इंटू करोगे, यानी कि ये 2 गुना है आपका। ठीक है, 2 गुना है आपका सेलिंग प्राइस, तो आपका कॉस्ट प्राइस भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक, कॉस्ट प्राइस आपका 2 गुना हो जाएगा, 200 रुपये की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, 200 रुपये की कॉस्ट प्राइस आ गई है, इस पर आपको क्या करना है, 11% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक, तो 200 का 11% कितना हो जाएगा, 22 रुपये हो जाएगा, यानी कि 22 रुपये इसमें आपके ऐड हो जाएंगे, तो आपका आंसर रहेगा 222 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। हमने मान लिया कि वस्तु की प्राइस 100 रुपये थी, इस पर 11% की हानि हो रही है, तो 11% आपका 11 रुपये आएगा, यानी कि 100 रुपये से 11 रुपये कम हो जाएगा, तो 89 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 178 दिया हुआ है आपको कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना गुना है, 178 का 2 गुना, यानी कि विक्रय मूल्य आपका 2 गुना है आपको जो यूनिट दी हुई है उससे, तो आपका जो क्रय मूल्य है वो भी 2 गुना हो जाएगा, 100 का 2 गुना यानी कि 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 200 रुपये आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इस पर आपको 11% का लाभ प्राप्त करना है, यहाँ पे आपको दी हुई दूसरी सेकंड लाइन 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 200 रुपये की चीज़ है, इस पर 11% का आपको लाभ प्राप्त करना है, प्लस में रहेगा ये, तो 11% का कितना हो जाएगा, 200 रुपये का 22 रुपये हो जाएगा, 200 में आपको जोड़ोगे तो 222 रुपये आपका विक्रय मूल्य इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी मैच को 400 के स्थान पर 350 में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस मैच का क्रय मूल्य क्या है, आपको पूछा गया है। ठीक है, आपको कोई वस्तु थी, उसे 400 में बेचने के स्थान पर आपने क्या किया, 350 में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, जो हानि इस प्राइस पर बेचने पर भी आपको हानि ही हो रही थी, पर उससे भी कम प्राइस में 350 रुपये में आपने बेचा, तो उस पर क्या हुआ, उसकी जो हानि थी उस पर आपकी 5% की और वृद्धि हो गई। ठीक है, जो पहले आपकी हानि हो रही थी उस पर आपको 5% की और वृद्धि हो गई, मान लो आपकी यहाँ पे 7% हानि थी इसके पहले, इस पर आपको 400 रुपये में बेचने पर 7% की हानि हो रही थी, इसको आपने क्या किया, 350 रुपये में बेच दिया, तो आपको और कितनी हानि हो गई, 5% की हानि और बढ़ गई। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है 450 और 350 का, वो अंतर आपका 5% के बराबर रहेगा, क्योंकि आपकी जितनी वैल्यू कम हुई है उतना आपका परसेंटेज कम हुआ है, 400 से आपका 350 गया, यानी कितने की कमी हुई है, 50 की कमी हुई है, पर परसेंटेज में कितने की कमी वृद्धि हुई है, 5% की। ठीक है, तो ये जो 50 की वैल्यू दी हुई है आपकी, ये 5% के बराबर है आपकी। ठीक है, 50 की वैल्यू 5% के बराबर है आपको, तो उसका क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है, तो 5% की वैल्यू 50 है, आपको पता है हम हमेशा जो क्रय मूल्य मानते हैं वो 100% मानते हैं, जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है, कितने गुना हुआ ये आपका 20 गुना हुआ है, तो इसको भी हम 20 गुना कर देंगे, तो 20 × 50 यानी कि आपका 1000 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, आपको यहाँ पे दिया गया था कि किसी वस्तु को 400 के स्थान पर 350 में बेचने पर 5% की वृद्धि हो जाती है हानि में। ठीक है, तो आपको उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया, तो मान लिया कि वस्तु की जो प्राइस थी, वस्तु तो आपको 400 रुपये में बेचनी थी, पर आपने क्या किया, 350 रुपये में बेच दी उसको, यानी कि आपने प्राइस और कम कर दी। ठीक है, 400 की वस्तु को 350 में बेच दिया, कितने की कमी की, 50 की कमी की, पर परसेंटेज में कितनी कमी हुई है, परसेंटेज में आपकी कमी हुई है 5% की। ठीक, वैल्यू में आपकी कमी हुई है 50 रुपये की, पर परसेंटेज में आपकी कमी है 5% की, तो 5% की जो वैल्यू है वो 50 के बराबर हो जाएगी आपकी। ठीक है, 5% की वैल्यू 50 के बराबर हो जाएगी, तो आपको कितने की निकालना है, 100% की, तो 5% आपका 100 का कितना गुना है, 20 गुना है, यानी कि 20 गुना करोगे आप 5 को तभी आपका 100 मिलेगा, तो हम 50 को भी 20 गुना कर देंगे, यानी कि 1000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 1000 रुपये, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
किसी भूखंड को 45,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे किस मूल्य पर बेचे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी कि 10% की उसे हानि होती है, तो हम डायरेक्टली ऐसा करेंगे 10% आपका फ्रैक्शन फॉर्म में होता है 1/10, जो 10 दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है, एक जो दिया हुआ है वो आपको हानि दिया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 10 दी हुई, जब सेलिंग प्राइस निकालोगे आप तो 10 रुपये की कॉस्ट प्राइस है आपकी, 10 रुपये क्रय मूल्य दिया हुआ है, 1 रुपये की हानि दी हुई है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9 रुपये, और 9 रुपये की वैल्यू आपको क्वेश्चन दी हुई है 45,000 रुपये। ठीक है, 9 की वैल्यू 45,000 रुपये दी हुई है, तो आप 10 की वैल्यू निकालोगे तो 9 की वैल्यू 45 है आपकी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000 रुपये। 10 की वैल्यू निकालना है तो 10 का इंटू हो जाएगा, यानी कि 5,000 इंटू 10 यानी कि 50,000 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 50,000 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया है। इस 50,000 रुपये की वस्तु पे आपको क्या करना है, 15% का लाभ प्राप्त करना है। तो 50,000 का 15% निकालोगे आप तो 15% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो होता है आपका 3/20, यानी कि 20 आपका क्रय मूल्य है, 3 रुपये का आपका लाभ है, तो 20 आपका सीपी हो जाएगा, और जो एसपी रहेगा वो क्रय मूल्य प्लस लाभ यानी कि 23 रुपये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 20 रुपये की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 50,000 रुपये, आपको 23 की वैल्यू निकालना है, तो 20 यूनिट की वैल्यू 50 दी हुई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2500, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 2500 रुपये हो जाएगी, तो 23 में भी आप 2500 का इंटू कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 23 × 115 होते हैं, हासिल किया जाएगा 23 × 46 और 47 होता 57 हो जाएगा, यानी कि 57,500 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पे आपको 45,000 रुपये का एक भूखंड दिया हुआ था, इस पर आपको 10% की हानि हो रही है, 10% का फ्रैक्शन फॉर्म आपका 1/10, 10 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, 1 रुपये की हानि के 10 की वस्तु आपकी 9 रुपये में जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका विक्रय मूल्य 45,000 रुपये दिया हुआ है, पर यहाँ पे आपका 9 यूनिट आया है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 45,000 रुपये आपकी मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 5,000 आएगी, तो 10 यूनिट की वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य आपका 50,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य आ गया है। अब क्रय मूल्य 50,000 रुपये आ गया, इस पर 15% का आपको लाभ प्राप्त करना है, तो 15% आपका 3/20 होता है, तो 20 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, 20 आपका क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा और 3 रुपये आपका लाभ रहेगा, यानी कि जो 20 रुपये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा और 3 रुपये का लाभ, यानी कि जो विक्रय मूल्य हो 23 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 20 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में आपने निकाली अभी 50,000 रुपये क्रय मूल्य इसका, तो 20 यूनिट की वैल्यू आपकी 50,000 रुपये हो जाएगी, तो 23 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जो 50,000 है वो 20 का कितना गुना है, 2500 गुना है 20 का। ठीक, 2500 गुना है, तो हम 23 को भी 2500 गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 57,500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। एक बेईमान दूध वाला दूध की लागत दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 16 × 2/3% का लाभ कमाता है, तो दूध मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्टली करेंगे, आपको यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ 16 × 2/3%। ठीक, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो आपका 1/6 होगा। ठीक है, 16 × 2/3% जो होता है आपका 1/6 होता है, डायरेक्टली आप इसे सॉल्व करना, 16 × 2 = 50/3, 50/300 हो जाएगा, यानी कि 1/6 आएगा आपका, और मैंने आपको बताया कि जो 6 होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक, यानी कि जो दूध है आपका, यहाँ पे दूध में पानी मिला रहा है, जो दूध है आपका ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो आपका 6 यूनिट का दूध हो जाएगा और 1 यूनिट आपका पानी हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 6 जो है वो मूल वैल्यू रहेगी, यानी कि दूध रहेगा आपका मूल वैल्यू, और 1 जो है ये ऊपर से जो भी आपका लाभ हानि होता है, जो भी मिलाया जाता है वो वैल्यू होती है। ठीक, यानी कि 1 रुपये आपका पानी हो जाएगा। दूध आपको दिया हुआ है 6 यूनिट, पानी दिया हुआ है 1 यूनिट, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, मिश्रण आपका 7 यूनिट हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तभी आपका मिश्रण बनता है, दूध और पानी को मिलाते हैं तभी, तो 6 और 1 यानी कि 7 यूनिट का आपका मिश्रण हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया कि मिश्रण से दूध का अनुपात, यानी कि मिश्रण से अनुपात निकालना है दूध का, तो मिश्रण आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 और दूध दिया हुआ है 6, यानी कि 7:6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं था, 16 × 2/3% आपको दिया हुआ था, इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे, आपका 1/6 आ जाएगा। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा मूल वैल्यू होती है,
जो 6 है आपका वो मूल वैल्यू रहेगी, यानी कि दूध रहेगा, दूध आपकी यहाँ पे मूल वैल्यू है, पानी आपको ऊपर से मिलाया गया है, तो पानी आपका ऊपर वाली वैल्यू रहेगी, यानी कि 1 यूनिट आपकी पानी हो जाएगी और 6 यूनिट आपका दूध हो जाएगा। तो दूध आपका 6 यूनिट है और पानी आपका 1 यूनिट है, तो मिश्रण कितने यूनिट हो जाएगा? मिश्रण 6 + 1 यानी कि 7 यूनिट हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तभी आपका मिश्रण बनेगा, तो 6 और 1 सात, 7 यूनिट आपका मिश्रण हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपको पूछा गया था मिश्रण से दूध का अनुपात निकालना है, तो मिश्रण से दूध का अनुपात यानी कि इस तरह से आपका निकालना है, तो मिश्रण आपको 7 दिया हुआ है और दूध आपको दिया हुआ है 6, तो इस तरह से आपका मिश्रण और दूध का अनुपात 7:6 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और पिछले जो वीडियो है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के वो भी आप देख लीजिए, उसमें भी आपको इसी तरह से बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाया गया है, जो कि आपकी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।